नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे पुखराज रत्न के विषय में। पुखराज रत्न धारण करने के उपरांत व्यक्ति को किस प्रकार के लाभ होते हैं, पुखराज रत्न कितने समय में काम करना प्रारंभ कर देता है, पुखराज रत्न धारण करने वाले व्यक्ति को किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए, और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं बहुत ही शानदार नेचुरल श्रीलंका का एक पुखराज रत्न जो आपके सामने स्क्रीन पर है। साथियों, यह रत्न की कीमत भी मैं आपको बताऊंगा। यह पुखराज जो आपके सामने है, वेरीफाई ऑफ कोरोंडम, नो इंडिकेशन ऑफ हीटिंग, नो ट्रीटमेंट, नेचुरल स्टोन है। IGI GTL भारत सरकार की जो लैब है वहाँ से सर्टिफाइड है। पुखराज रत्न किन परिस्थितियों में किस वर्ग के लोगों को ज़्यादा लाभ करता है, किस प्रकार की समस्याओं में पुखराज रत्न धारण करना चाहिए, सभी विषयों पर बात होगी। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊँ, मैं आपको बता दूं, ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए साथियों, विषय में आगे बढ़ते हैं। पुखराज रत्न धनु और मीन राशि एवं लग्न वाले जातक धारण कर सकते हैं। यह आपका राशि रत्न है। मेष और कर्क राशि एवं लग्न वाले जातकों का पुखराज भाग्य रत्न होता है। बाकी सभी राशियों के जातक अच्छे ज्योतिषी की सलाह से ही पुखराज पहने। साथियों, पुखराज रत्न जिन व्यक्तियों के अंदर ज्ञान शून्यता है, कुछ खराब आदतें जिन बच्चों के अंदर आ गई हैं और प्रयास करने के बाद भी उनमें सुधार नहीं हो पा रहा है, उनको पुखराज पहनना चाहिए। जो लोग उच्च शिक्षा की प्राप्ति की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग अधिकारी स्तर पर IAS IPS वगैरह की नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें भी यह महाभाग्यवान रत्न अपनी राशि एवं लगन के अनुसार पहनना चाहिए। जहाँ तक इस पुखराज का सवाल है जो आपके सामने स्क्रीन पर है, इसकी कीमत है 20,000 रुपये पर कैरेट, 10 कैरेट का पीस है, लगभग 2 लाख रुपये इसकी कीमत बनती है। गवर्नमेंट लैब करा करके देंगे, हमारे यहाँ से सभी प्रकार के रत्नों की अंगूठी बनाकर सिद्ध पूजा पाठ करके लैब टेस्ट कराकर देश विदेश में भेजी जाती है। प्रिय साथियों, पुखराज रत्न बृहस्पतिवार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से लेकर के 1 घंटे बाद तक बृहस्पति की होरा में ओम बम बृहस्पते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए अंगूठे के पास वाली उंगली में धारण करना चाहिए। पुखराज रत्न धारण करने के 24 घंटे के बाद अपना असर दिखाना शुरू कर देता है, बशर्ते आपका रत्न टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, उसमें सेकंड कलर नहीं होना चाहिए, उसमें दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई खोट यदि आपके रत्न में नहीं है और आपने विधि विधान से धारण किया है तो यह आपको चमत्कारिक लाभ देने में सक्षम है। सभी प्रकार की वैदिक पूजा पाठ के लिए, वास्तु विजिट के लिए एवं अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदने के लिए आप सीधे सीधे मुझे फ़ोन कॉल या व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे किसी ऐसी ही शानदार सी वीडियो में निकट भविष्य में, वह भी मुस्कुराते हुए। ऐसे तब तक के लिए नमस्कार।